हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, PIB, न्यूज़ जोन AR की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसी के साथ जो बाकी योजना वगैरह की न्यूज़ होती हैं उनको भी हम बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड है, वो साथ साथ करते चलते हैं। तो आज जो पहला आर्टिकल है जो जिसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे न्यूज़ के तौर पे, वो आया है आर्टिकल 35A के बारे में है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी सुर्खियों में भी है और यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी पूरे पूरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे यहाँ पे कि भाई आर्टिकल 35A है वो है क्या आखिर। देखो, आर्टिकल 35A है वो एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर के लिए, कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल छूट है, दुआ है दी गई है इस आर्टिकल के तहत। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करेगी कि कौन वहाँ के नागरिक होंगे, क्या क्या कौन नागरिक हैं, और इसके आधार पे उनको जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का राइट्स है वो किस तरीके से दिया जाएगा। ये बेसिकली वहाँ पे दिया गया है। और अभी यह न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में अभी इसलिए है क्योंकि इसको लेके एक NGO है दिल्ली बेस्ड जिसका नाम है वी द सिटीजन। तो इस NGO का नाम भी हमें ध्यान और रखना है। वी द सिटीजन जो कि NGO है ना, इसने अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि भाई ये जो आर्टिकल 35A है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट हैं उनका उल्लंघन कर रहा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो इसको हटा देना चाहिए। बेसिकली बात ये की गई है। अब कौन कौन से ऐसे 3 रीजन हैं जिनके आधार पर बेसिकली इसको हटाने की बात वो की गई है। तो पहले तो हम वो 3 रीजन देखेंगे कि क्यों ये आर्टिकल 35A है वो हटाने की बात वो की जा रही है और कहाँ इसमें गलती वगैरह है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो, बात ऐसी है, आर्टिकल 35 ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो पूरे देश में कहीं भी जाके चीज़ें वगैरह खरीद, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह खरीद बेच सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी अदर स्टेट के लोग हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सके, ना वहाँ रहने के लिए जगह खरीद सकते, ना ही वहाँ पे, मतलब केवल कॉमर्शियल लैंड है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट वगैरह पे ले सकते हैं, बाकी वहाँ पे कोई भी ज़मीन वगैरह खरीद वगैरह नहीं सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनका उल्लंघन कर रहा है। जैसे कि ये मान लो कि नॉर्मल जो स्टेट है, ये मान लो कि जैसे कि UP, हरियाणा हुआ, यहाँ के कोई भी आम आदमी वो जम्मू एंड कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। तो एक तो इश्यू आता है यहाँ पे ये, दूसरा ये तो आता है वुमेन राइट्स का। वुमेन राइट्स की बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई लड़की अगर बाहर के किसी दूसरे स्टेट, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अलावा किसी स्टेट से शादी कर, स्टेट से लड़के से शादी करती है, जैसे कि ये मान लो कि जम्मू एंड कश्मीर की लड़की हरियाणा के लड़के से शादी करती है, तो उस लड़की के कोई भी राइट है वो जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं रहेंगे प्रॉपर्टी संबंधित, मतलब उसके राइट है खत्म हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करता है। जबकि अगर जम्मू एंड कश्मीर का कोई मेल है, या आप बोल सकते हो कि पुरुष है, वो अगर किसी दूसरी स्टेट की फीमेल के साथ शादी करता है तो उसको वो राइट्स हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जेंडर को, मतलब जेंडर बायस्ड है और जेंडर में एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट है वो कर रहा है। तो एक इस रीजन को लेके इसका विरोध है वो किया जा रहा है। इसके बाद एक अहम रीजन है वो और है, वो यहां पे दिया गया है कि देखो, जब आर्टिकल 35A ऐड किया गया था ना, तो वो किया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंशियल है और साहब थे उस टाइम पे, उनके ऑर्डर के बाद इसको ऐड है वो किया गया था। अब देखो, आप एक जानते हो कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है। अगर देखो, आप जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है और कोई भी चेंज वगैरह नहीं कर सकता। मतलब जब तक पार्लियामेंट कोई चेंज नहीं करेगी तब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं हो सकता। जबकि आर्टिकल 35 का क्या हुआ था, आर्टिकल 35 है वो 1954 के टाइम पे जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा एक ऑर्डर दिया गया था जो कि था आर्टिकल 370, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोवाइड कराता है, उसके तहत आर्टिकल 35 को एड है वो किया गया था। तो मतलब क्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो आप जानते हो कि बिना पार्लियामेंट के इंक्लूड करना भी कहीं ना कहीं गलत यहाँ पे सामने आ जाता है। इसके बाद देखो, बात यहाँ पे क्या आती है, केशवानंद भारती का केस आ गया। केशवानंद भारती केस में देखो क्या कहा गया था, हमें देखो केसेस के बारे में जो उनका मूल सार है ना वो पता होना चाहिए कि भाई वो केस आया क्या था, उसका मेन रीजन क्या था। केशवानंद भारती केस में सबसे बड़ा एक ही वर्ड बोला गया था, सबसे इंपॉर्टेंट, 1973 में, कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बाकी चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन को कितना भी तोड़ मोड़ लो, जो संविधान के मूल ढांचा है उसके साथ कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ना तो पार्लियामेंट कर सकती, ना जुडिशरी, कोई भी उसके साथ संशोधन नहीं कर सकता। अब देखो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे संविधान का, एक हिसाब को बताऊं, बेसिक स्ट्रक्चर में ही तो आता है ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35A है वो ऐड किया गया, मतलब कुछ अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ क्या, पार्लियामेंट के थ्रू नहीं हुआ, वो तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत हुआ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक गलत है वो साबित होती है। तो इस चीज़ को लेके जो एक NGO है दिल्ली बेस, इसने पेटिशन है वो फाइल की थी आर्टिकल 145 के तहत। देखो, आर्टिकल 145 के तहत हमारे संविधान में कोई भी चीज़ गलत है उस चीज़ को एक तरीके से, मतलब पिटीशन वगैरह उसको लेके दायर है वो की जा सकती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आर्टिकल 145 के तहत बेसिकली वी द सिटीजन NGO ने पिटीशन दायर है
वो की है केशवानंद भारती के इस ध्यान रखना कि भाई कुछ भी कर लो आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई बात नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पे आर्टिकल में इस केस में क्लियर चीज हो गई थी। तो ये कुछ दो तीन रीजंस थे जो यहाँ पे था वो हमने डिस्कस कर लिया। बेसिकली यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी सकती है, तो जो सारा मेन सार था कंटेक्स्ट था वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है साथी इनिशिएटिव को लेके। देखो जो साथी इनिशिएटिव है वो बेसिकली हम बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल एंड एक्सीलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब देखो एग्जाम में आपको यूपीएससी फुल फॉर्म नहीं देती है तो आप भी जानते हो, तो वहां पे हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई साथी स्कीम है क्या। अब तो हम समझ सकते हैं इजीली कि ऑब्वियसली टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और इसी के साथ जो पावर सेक्टर पावर मिनिस्ट्री है इन दोनों का मिलकर एक इनिशिएटिव है। देखो इसका मेन मोटो है टेक्सटाइल सेक्टर का काम क्या है, टेक्सटाइल को बूस्ट करना मतलब कपड़े वगैरह बनाना, ये बेसिकली काम उसका हो गया। और पावर मिनिस्ट्री का काम क्या है कि पावर सप्लाई करना लाइट वगैरह देना। अब देखो लाइट है अगर वो कम कंज्यूम की जाएंगे अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज कर दें, मतलब हमें कपड़ा बनाने में अगर हम अच्छी क्वालिटी की मशीन यूज करें जो कि कम पावर का यूज करते हुए अच्छी क्वालिटी दे रही है तो उससे हमारे देश में एनर्जी सिक्योरिटी है उसको भी हम सिक्योर कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट हो रही थी उसको भी हम बचा सकते हैं। मतलब हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो हथकरघे वगैरह होते हैं जिनसे कपड़ा वगैरह बनाया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनको यूज करना चाहिए। तो ये इस काम को प्रमोट करने के लिए साथी इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया था कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज हैं इनके अंदर एक थोड़ी मतलब नई टेक्नोलॉजी लेके आई जा सके ताकि जो पावर का लॉस हो रहा है हमारे देश में, मतलब ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी की मशीन आएंगी तो लो पावर में वो चलेंगी जिससे हमारे देश में एनर्जी सिक्योरिटी में भी फायदा हमें होने वाला है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना कि साथी इनिशिएटिव दो मिनिस्ट्री का एक ज्वाइंट प्रोग्राम होता है। पहली मिनिस्ट्री यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आ जाती है, दूसरी की हम बात करें तो यहाँ पे पावर मिनिस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर बेसिकली से स्टार्ट है वो किया है। काम क्या है इसका, काम यह है कि टेक्सटाइल और पावर मिनिस्ट्री दोनों मिलकर क्या करेंगी अच्छी क्वालिटी के जो हैंडलूम्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करेंगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताकि वो कम मात्रा में जो पावर है उनको कंजम है वो करें। इसके साथ ही क्या होगा कॉस्ट भी कम हो जाएगी ऑब्वियसली इन चीज़ों की, तो लागत कम हो जाएगी तो जो भी फार्मर्स या जो भी बुनकर वगैरह यहाँ होंगे उनको बेनिफिट हो जाएगा, उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी, तो इसके साथ ये फायदा होने वाला है। अब हम बात करें EESL की। EESL क्या है, देखो ये जो साथी स्कीम है या साथी इनिशिएटिव है इसको इंप्लीमेंट करने का जो काम है वो किया जाएगा EESL। EESL का मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जो कि एक पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है, 2010 में इसको बनाया गया था। जो ये PSU है EESL इसका बेसिकली काम ही है कि एनर्जी एफिशियंट जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो बेसिकली प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, उसमें हेल्प वो करती है एनर्जी एफिशियंसी लाइक जो टेक्नोलॉजीज हैं वो देना, जैसे कि LED लाइट डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारे काम बेसिकली EESL के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये इनको लेके भी इसको इंप्लीमेंट है वो किया जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखने की EESL भी क्या है इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। एक तरह का स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि एनर्जी एफिशिएंट जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो प्रोवाइड करता है और टेक्नोलॉजी वगैरह। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है जेनेटिक बैंक के बारे में, कि जेनेटिक बैंक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए उसको लेके आया है। देखो इंडिया का जो पहला जेनेटिक बैंक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए वो बेसिकली बनाया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, बट अभी अगर रिसेंटली बात करें तो वो आ जाता है तेलंगाना में, क्योंकि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया तो जो हैदराबाद वाला हिस्सा है वो तेलंगाना के पास अभी रिसेंटली आ जाता है, तो अभी रिसेंटली हम इसे तेलंगाना में कहेंगे। काम क्या है इसका, देखो ये जेनेटिक बैंक है ये क्या करेगा कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो गए जिनको प्रोटेक्ट करना है या जिनको काफ़ी सिक्योरिटी की जरूरत है उनके जीन वगैरह वो क्या है कंजर्व करके रखेगा ताकि फ्यूचर में उनके अगर जैसे जो ही वो खत्म होने लगे तो उनकी नई ब्रीड वगैरह बनाई जा सकें और अभी भी उन पर नई रिसर्च वगैरह की जा सकें, इन सारे कामों को। मतलब सीधी सी बात यह है कि वाइल्ड जो एनिमल है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी के साथ जो इंडेंजर्ड एनिमल हो गए उनको बचाने के लिए, उनका जो फ्यूचर जनरेशन उनको सिक्योर करने के लिए एक जेनेटिक बैंक है वो बनाया गया है हैदराबाद में। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली बनाया गया, अभी ये तो है न्यूज़ में था, ये बेसिकली बनाया बहुत पहले गया था, ये बनाया गया था 1998 में। किसके द्वारा, यह बनाया गया था सेंट्रल जू अथॉरिटी और CSIR और इसी के साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, इन तीनों ने मिलकर इसको बनाया गया था। तो एक तो ये यूपीएससी यहां पे पूछ सकती है कि भाई रिसेंटली बनाया, तो जी बिल्कुल भी ये रिसेंटली नहीं बनाया, ये 1998 में ही बन चुका था, अभी तो बस सिर्फ ये न्यूज़ में और अभी तेलंगाना स्टेट के अंदर बेसिकली है आता है। काम क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके जीन वगैरह को क्या है एक बैंक में समा के रखेगा। तो अभी तक इसने लगभग 250 एनिमल्स हैं जिनके जीन जो जेनेटिक डाटा है इसको अपने मतलब लेबोरेटरी में स्थापित है या सिक्योर है वो कर रखा है। तो इनकी जो लेबोरेटरी है इसका नाम भी यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे कि आपको बताया कि अभी लास्ट से लास्ट मतलब 2016 का जो 17 का पेपर था उसमें यूपीएससी ने एम्स टिप्स के बारे में पूछा था, MSTRIPS के बारे में, जो कि क्या था टाइगर मॉनिटरिंग के लिए
चीज थी, आपको ध्यान हो तो एम स्ट्रिप्स उनको मतलब टाइगर्स को मॉनिटर करने के लिए। तो उसी तरीके से यूपीएससी पूछ सकती है लाकोनियंस के बारे में कि लाकोनियंस क्या है। देखो तो लाकोनियंस का मतलब है लेबोरेटरी टू द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये ध्यान रखना है कि जेनेटिक जो बैंक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए उसके तहत ही लाकोनियंस को स्थापित है, वो किया गया है। लाकोनियंस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, लेबोरेटरी टू द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। तो ये चीज थोड़ी हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है, क्योंकि इस पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है और यूपीएससी यहाँ पे पूछ भी सकती है। काम जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया की केवल एक ओनली रिसर्च फैसिलिटी है जिसका काम यह है कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना, उनको प्रिवेंशन है वो प्रोवाइड करवाना, ताकि उनको एक तरीके से सिक्योर है वो किया जा सके। 1998 में इसको बेसिकली बनाया गया था, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। इसके साथ ही अहम बात यहाँ पे ये भी था, आपको ध्यान रखनी है कि जो लाकोनेस है इसकी हेल्प से ही माउस डियर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है जो कि है नेहरू जू, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो एक तो यूपीएससी नेहरू जूलॉजिकल पार्क के बारे में पूछ सकती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है और क्यों यह न्यूज में। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पे, माउस डियर कंजर्वेशन है, उसकी ब्रीडिंग की जाती है जो कि बेसिकली तेलंगाना में ही आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो माउस डियर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है वो तेलंगाना में, यहाँ पे इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन है वो पूछ सकती है। देखो आज के टाइम पे यूपीएससी क्या डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, टॉपिक तो वो की वही है, टॉपिक तो नहीं नहीं आ सकते हैं, तो क्या करिए यूपीएससी थोड़ा घुमा के नई डायमेंशन लेके क्वेश्चन है उनको उठा रही है, तो हमें भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान देके चलना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है हमारे लिए। यूपीएससी का थोड़ा पैटर्न को हमें समझना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक 250 एनिमल्स हैं, मेमल्स हो गए जिसमें ब्रीड भी इंक्लूड है, रेप्टाइल्स भी इंक्लूड है, जिनके डीएनए डाटा को अभी एक तरीके से स्टोर करके रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो एसएससीओ पीस मिशन के बारे में, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पीस मिशन है उसको लेके आए। देखो यह न्यूज़ में है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको बताया कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका इंडिया मेंबर बन चुका है। तो बिगर एससीओ में कुछ भी हलचल हो रही है तो वो यूपीएससी जरूर देखने वाली है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा अलर्ट है वो रहना है। और अहम बात इसमें एक और है, वो देखते हैं अभी क्या है। देखो सो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीस मिशन है, यह एक जॉइंट एक्सरसाइज है, मतलब जो एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, क्यों, टेररिज्म से निपटने के लिए। और अहम बात जैसा कि आपको बताऊं एससीओ के मेंबर कंट्री कौन कौन सी बात है, एससीओ के देखो बेसिकली स्टार्टिंग में थी 6 मेंबर कंट्रीज, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 2017 में बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री भी ऐड हो चुकी हैं, तो कुल मिला के एससीओ की अभी 8 कंट्री मेंबर हैं। और आपको पता है कि जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है इस एससीओ कंट्रीज के मेंबर के बीच में, मतलब इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान है वो भी इसमें अपनी हिस्सेदारी है वो लेने वाले हैं। और आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहली बार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, मतलब इंडिया की आर्मी और चाइना की, सॉरी जो पाकिस्तान की आर्मी है वो यहाँ पे आके एक जॉइंट एक्सरसाइज है इसमें अपना हिस्सा है, भाग है वो लेने वाली है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इंडिया है के साथ पाकिस्तान भी एक्सरसाइज में इंक्लूड हो गया, कौन सी में, एससीओ पीस मिशन वाली में। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। जो ये पीस मिशन है ये बेसिकली होने वाला है रसिया में, रसिया की एक जगह है जिसका नाम है चेबरकुल, जगह का नाम है चेबरकुल चेगोल्स बैंक है। तो ये नाम तो देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप रहने देना, बस ये पता होना चाहिए कि है किस किस के बीच में, टेररिज्म से निपटने के लिए, और इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी है मिलिट्री है वो यहाँ पे आके एक्सरसाइज है वो करने वाली है। चलो आप एक चीज ये बताइए कि इंडिया और चाइना के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब बात हम करें एससीओ कंट्रीज के बारे में, तो देखो एससीओ है वो एक तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर इकोनॉमिक ग्रुप, एशिया और यूरोप की कंट्रीज दोनों इसके मेंबर है, तो ये चीज भी हमें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो रसिया है वो बेसिकली आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है, इसलिए इसको यूरोशिया भी नाम से दिया बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि यूरोप और एशिया दोनों कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हेडक्वार्टर की बात करें हम एससीओ की तो वो है बीजिंग में, तो ये कुछ फैक्ट्स हमें यहाँ पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है सिल्क वॉर्म को लेके, देखो तो सिल्क वॉर्म को लेके हम थोड़े कुछ दो तीन चीज़ें हैं, पहले उनको समझने की कोशिश हम करते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। सिल्क वॉर्म की देखो प्रोसीजर ये होती है कि पहले तो क्या होता है, अंडे होते हैं छोटे छोटे, उन अंडों से लार्वा बनता है और उन लार्वा से फिर बनता है पूपा, और पूपा के बाद बनता है मोथ या जो मेन कीड़ा होता है वो बनता है, कीट पतंग इस टाइप का।
अब हमें दो तीन स्टेज के बारे में थोड़ा यहाँ पे पता है ना, वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो नॉर्मली जो कीड़ा होता है लार्वा जिसे हम बोलते हैं, वो होता है कुछ इस टाइप का। और जब ये लार्वा और जो ये होता है ना मौत या कीड़ा जिसे बोलते हैं, इन दोनों के बीच की जो स्टेज है ना वो होती है कुछ इस टाइप की। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस फोटो में, यहाँ पे ये वाली स्टेज है ऐसी होती है। और जो इस स्टेज को बेसिकली हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखना है, क्योंकि इनके नाम ही हर जगह अलग अलग वो होते हैं, तो यूपीएससी इनके ऊपर भी कई बार चीज़ें पूछ सकती है। और अभी से हम समझेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि रेशम का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता कैसे है। देखो जैसा कि रेशम का कीड़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो कीड़ा है उसको पूपा में, बेसिकली एक पूपा नाम की चीज होती है, वो एक होता है कवच। कवच क्या होता है, कवच आप ये देख सकते हो, जिसे आप खोल कह सकते हो एक तरीके से। ये रहा व्हाइट कलर का जो खोल दिख रहा है, इस खोल के अंदर बेसिकली ये जो कीड़ा दिख रहा है ना आपको, ये वाला कीड़ा इसके अंदर बेसिकली रहता है। अब रेशम का प्रोडक्शन होता है वो समझते हैं एक बार। देखो ये जो कीड़ा होता है जिसको हम बेसिकली यहाँ पे पूपा बोल रहे हैं, ये पूपा है ये बेसिकली इस रेशम के अंदर रहता है। होता क्या है कि ये पूपा है अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, जिसको हम रेशम कहते हैं ऐसे गोल गोल, ये व्हाइट कलर की, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाता है इस लेयर को। और जब हमें रेशम प्राप्त करना होता है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसे पानी में डाल देते हैं। इसको बेसिकली जो भी है पूरा गोल गोल अंडे जैसा दिख रहा है आपको, इसको हमें ध्यान रखना कि पानी में उबाल लेते हैं, तो फिर क्या अंदर का जो कीड़ा ये मर जाता है और रेशम को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसे रेशम खराब नहीं होता, अदरवाइज रेशम निकाला नहीं जा सकता। ये बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो यूज किया जाता है। तो अभी साइंटिस्ट ने क्या किया है कि एक जो नई प्रजाति है, नई ब्रीड है वो डिस्कवर की है, उसको लेके बेसिकली आर्टिकल आया है। तो हमें दो तीन टर्म्स पता होना चाहिए और एक अभी जो नई ब्रीड बनाई है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ब्रीड का नाम क्या है वो तो हम पहले देख लेते हैं। ब्रीड के नेम की जब बात करें तो उसका नाम है BDR10। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली BDR10 न्यूज में था, किससे रिलेटेड है, तो हाँ भाई पता होना चाहिए कि यह सिल्कवॉर्म या रेशम का कीड़ा है, जिसकी एक नई ब्रीड है जो कि अभी डिस्कवर है वो की गई है। आप बोल सकते हो कि नई ब्रीड को डेवलप है वो किया गया है। पूपा मैंने आपको बता दिया कि एक छोटा सा मतलब कीड़ा होता है और जो पतंगा होता है उसके बीच की जो स्टेज होती है वो होती है, जो कि मतलब बीच स्टेज को बोल सकते हो पूपा। इसके चारों तरफ क्या करता है, पूपा अपने आप एक लेयर बना लेता है व्हाइट व्हाइट कलर की रेसे जैसी, और इसको हम बेसिकली रेशम बोलते हैं। और इसको अंदर कीड़ा होता है, इसको बेसिकली कोकोन नाम से भी जाना जाता है कि कोकोन क्या होता है। तो मतलब कोकोन के अंदर क्या होता है, पहले कीड़ा होता है, कीड़े के चारों तरफ रेशम लिपटा होता है, उसको कोकोन बोलते हैं। तो जब भी रेशम प्राप्त करना होता है तो कोकोन को उबालते हैं, फिर कीड़ा मर जाता है और रेशम को निकाल लेते हैं बाहर। ये बेसिकली यहाँ पे प्रोसीजर होती है। तो तीन वर्ड हमें पता होना चाहिए, पूपा और कोकोन के हैं और रेशम का कीड़ा के हैं, और जो नई ब्रीड है उसका नाम हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छी क्वालिटी की ऑब्वियसली रेशम है वो उससे हमें मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है कि इंडिया में जो सिल्क पाया जाता है उसकी कौन कौन सी जो क्वालिटी है, कौन कौन से टाइप का सिल्क इंडिया में पाया जाता है। देखो तो सबसे फेमस है, सबसे अच्छी क्वालिटी वो तो होती है बेसिकली मलबरी सिल्क की। इसके बाद में एक होती है वन्या सिल्क, एक होती है ईडी सिल्क होती है, और एक होती है मूगा सिल्क होती है, और एक होती है तुसार या टसर सिल्क। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इंडिया में बेसिकली पांच तरह की सिल्क हैं वो पाई जाती हैं, इनके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है मैच द फॉलोइंग वगैरह में कहीं भी, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया में रेशम का प्रोडक्शन कौन कौन सी जगह होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है बेसिकली। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आई है उइघुर कम्युनिटी के बारे में। उइघुर कम्युनिटी है, इसके बारे में देखते हैं कि क्या कभी कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि देखो चाइना में एक प्रोविंस है जिसका नाम है जिनजियांग प्रांत या जिनजियांग प्रोविंस आप से बोल सकते हो। ये जिनजियांग जो प्रोविंस है इसमें देखा जाए तो ये उइघुर जो कम्युनिटी है ये वहाँ पे रहती है। मतलब जिनजियांग प्रांत में 45% जो पॉपुलेशन है वो उइघुर कम्युनिटी की है, जिसको एक ऑटोनोमस स्टेट के तहत दर्जा भी दिया गया है। जिस तरीके से देखो चाइना है उसने आपको बताया कि तिब्बत को भी थोड़ी ऑटोनोमी दी है, उसी तरीके से चाइना ने जो ये उइघुर कम्युनिटी है जो कि रहती है जिनजियांग प्रोविंस में, इनको भी थोड़ी छूट है वो दे रखी है। अब न्यूज़ में भी इसीलिए आया है क्योंकि एक एनजीओ है जिसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। एनजीओ का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इसी के साथ एक और है वो है ह्यूमन राइट वॉच। इन दोनों एनजीओ ने क्या की, अपनी एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में ये कहा कि चाइना है ना वो उइघुर जो कम्युनिटी है ना इसके लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, और मतलब कहीं ना कहीं उनको सप्रेस्ड है वो किया जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट हैं, उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनका वोलेशन हो रहा है। देखो बात ऐसी है कि ये मुस्लिम माइनॉरिटी है उइघुर कम्युनिटी, और ये बेसिकली चाहती है कि चाइना से अलग रहा जा सके, जिस तरीके से तिब्बत चाहता है अलग रहे उसी तरीके से ये भी अलग रहना चाहता है। तो यहाँ पे काफ़ी टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसको लेके चाइना परेशान होता है और चाइना इन लोगों को टॉर्चर हो यहाँ पे करता है, ये बेसिकली काम किया जाता है। तो अभी ये इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट का इशू है वो बन चुका है, तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखने की न्यूज़ वगैरह में क्यों है। जो जिनजियांग का मैप है वो थोड़ा हमें पता होना चाहिए लोकेशन वगैरह के आधार पे। इसके साथ ही हम बात करें जिनजियांग की जो लोकेशन देखेंगे एक तरीके से, तो
देखो हमारे जो लद्दाख के जस्ट पास वाला एरिया है, उस एरिया में जिनजियांग मैप है वो बेसिकली लोकेशन हो जाती है। इसके बाद करें जिनजियांग के पड़ोसी कंट्रीज की, तो उसमें एक तो मंगोलिया आता है ऊपर नॉर्थ की साइड, फिर थोड़ा रशिया का बॉर्डर आता है, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखो जैसा कि थोड़ा मैं आपको बताऊँ एक बार, मतलब जैसे ये मान लो कि चाइना की सेप कुछ ऐसी ऐसी इस टाइप की से कुछ सेप है चाइना की इस टाइप की, तो आपको पता है कि इधर वाले में जो इंडिया के वाला हिस्सा ये वाला, या अभी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा ले सकते हो, तो इस वाले हिस्से का जो है ये या तो आपके होगा तिब्बत वाला हिस्सा, और इधर वाला जो हिस्सा है जो कि हमारे लेह लद्दाख के वाले टच करता है उधर आप बोल सकते हो जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से में, यह है जिनजियांग प्रांत। तो इस प्रांत के यहाँ तो उधर मंगोलिया जाता है, इधर रशिया जाता है, फिर इधर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरीके से कंट्रीज है यहाँ पे आ जाती हैं। तो लोकेशन का थोड़ा हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली चाइना क्या करता है, यहाँ पे टेररिज्म की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको काउंटर करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी है इसको सप्रेस करता है, यहाँ के लोगों को टॉर्चर किया जाता है, और यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है माओवादी उसके खिलाफ मतलब जो भी उसकी एक्टिविटीज होती है तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। जिस तरीके से देखो म्यांमार में रोहिंग्या का है सप्रेस किया जा रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे बवाल है वो उठ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी हमें यहाँ पे ध्यान वो रखनी है। तो बेसिकली इससे एक छोटी सी न्यूज और थी सॉरी दिल्ली को लेकर, वो भी हम देख लेते हैं। देखो दिल्ली है वो इंडिया का पहला एक ऐसा स्टेट हुआ है जिसने अपने आप में एक्चुअली एक जो पुलिस फोर्स है जिसको नाम है यहाँ पे स्वेट, तो स्वेट पुलिस फोर्स है जिसमें पूरा वुमेन स्टाफ है वो होने वाला है, वो डेवलप है वो की है। तो मतलब पहला ऑल वुमेन स्वेट टीम है वो दिल्ली में बनाई है, वो गई है 36 कमांड है इसकी जो कि नॉर्थ ईस्ट से तैयार है वो की गई है। तो ये थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं। देखो स्वेट की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे स्पेशल वेपन्स एंड टेक्टिक्स, तो इसमें क्या है कि पूरी वुमेन स्टाफ को भी ऐड किया गया है, तो दिल्ली में उनको डिप्लॉय है वो किया जाएगा। जिनका स्वेट का बेसिकली काम क्या होता है, एंटर टेररिज्म जो ऑपरेशन होते हैं इनमें बेसिकली स्वेट को यूज है वो किया जाता है। तो इस टीम में पूरी की पूरी जो मेंबर है वो महिलाएं, जिसमें मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट है, कुछ आसाम से है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह से, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ी ध्यान है वो रखनी है। तो इसमें यूपीएससी ज्यादा तो कुछ नहीं, बस ये पूछ सकते कि स्वेट के बारे में कि भी रिसेंटली ऐसी कौन सी जगह वगैरह की, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई दिल्ली में स्वेट टीम है उसको डेवलप तैयार है वो किया गया है, जिसमें पूरी वुमेन स्टाफ को इंक्लूड है वो किया गया है। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन। देखो आज हम इवनिंग से द हिंदू डिस्कशन है वापस कंटिन्यू रखेंगे। अभी 5-4 दिन से कुछ थोड़ा इशू चल रहा था जिससे मैं लेक्चर वगैरह प्रिपेयर नहीं कर पाया था, तो जो पीछे की लेक्चर्स हैं वीडियो रह गए हमारे 3-4 दिन की डिस्कशन के, उनको हम डेली यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2-2 3-3 वीडियोज में, तो हमारा काम है पूरा कवर हो जाएगा। इस वीक में हम जो लास्ट वीक के जो वीडियोज रह गए उनको हम कवर कर लेंगे। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।